अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में फिल्मी सितारों, साइंटिस्ट, खिलाड़ियों सहित तमाम बड़े दल के नेताओं को न्योता भेजा गया है। यूपी के दो बड़े दल के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती को भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया। हालांकि अखिलेश यादव की ओर से साफ कर दिया गया कि वो 22 जनवरी को नहीं, लेकिन उसके बाद किसी दूसरे दिन परिवार के साथ जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। इस बीच अब मायावती ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पार्टी दफ्तर पहुंची मायावती ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर भी अपना रुख साफ किया। हालांकि साथ में उन्होंने बाबरी का मुद्दा भी उठा दिया। सुनिए वो क्या बोली। राम मंदिर निर्माण से संबंधित जो कम्प्लीट लगभग होने के लिए जा रहा है, उससे संबंधित जो प्रोग्राम इस महीने 22 जनवरी को होने के लिए जा रहा है, तो उसके संबंध में आपने ये सवाल पूछा है कि क्या आपको इसका निमंत्रण मिला है, यही आपका सवाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है, तो और अभी इसका मैंने वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी धर्म निरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का हमारी पार्टी एक बराबर उनका सम्मान करती है। तो चाहे हिंदुओं का मामला हो या सिखों का हो, बुद्धिस्टों का हो, मुस्लिम समाज का हो या अन्य मजहब को मानने वाले लोगों का हो, तो उनका कोई भी कार्यक्रम होता है या वो कोई भी ये कोई भी ऐसा कोई फैसला लेते हैं, तो जो मानवता इंसानियत के लिए है, तो मेरे ख्याल कभी हमारी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया है। मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ इस बात को कि बीएसपी ही देश में अकेली एक ऐसी पार्टी है जो धर्म निरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का एक सम्मान, एक बराबर हम सम्मान भी करते हैं। मुझे जो इनविटेशन मिला है, तो इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं यदि ज्यादा व्यस्त नहीं रही, क्योंकि और भी पार्टी के काम है, तो मैं जरूर, अभी मैंने कोई इस मामले में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, अभी तो कई दिन पड़े हुए हैं, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो आपके सामने होगा। बताते चलें कि मायावती से पहले कांग्रेस आलाकमान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने से किनारा कर चुका है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कहा गया कि वो निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार कर रहे हैं। इस बीच मायावती ने विपक्ष के तमाम दलों की राय से इतर अब अपना एक अलग स्टैंड रखा है। आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।